अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो चैनल है जियोलॉजी विद इंटरेस्ट, इसके अंदर जो है ना हम जियोलॉजी की जितनी भी चीज़ें हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो हमारी इस चैनल की पहली वीडियो है वो है टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो दरअसल होती क्या हैं। पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ जो आपके सामने आपको नज़र भी आ रही है, देन मैं आपको किसी जो है ना एग्जाम्पल के साथ समझा भी दूँगा। टेक्टोनिक प्लेट आल्सो कॉल्ड लिस्टोफेरिक प्लेट, ठीक है, इज़ अ मैसिव इरेगुलर शेप स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक्स जनरली कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन लिथोस्फीयर। प्लेट साइज कैन वेरी ग्रेटली फ्रॉम ए फ्यू हंड्रेड टू थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स अक्रॉस द पैसिफिक एंड एंटार्कटिक। प्लेट्स आर अमंग द लार्जेस्ट। इसका मतलब ये है कि जो टेक्टोनिक प्लेट होती है हम इसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं, लिथोस्फीयर प्लेट्स भी कहते हैं। मैसिव का मतलब हुजम जो होता है ना इसका, मैसिव हुजम। इन रेगुलर शेप मतलब इसकी एक रेगुलर शेप नहीं होती, ये डिफरेंट शेप्स के अंदर होगा, जैसे स्ट्रेट जाते हुए थोड़ा ज़िगज़ैग आ जाए या टर्न ओवर या अराउंड, इस तरह की जो शेप होती है वो हो सकती है। और ये जो है सॉलिड रॉक की जो होती है ना रेगुलर शेप होती है, मतलब सॉलिड रॉक होगी मतलब ठोस चट्टान, ये मैं आपको एग्जांपल में भी बता दूंगा, ठोस चट्टान होगी जो इन रेगुलर शेप में होगी। जनरली कंपोज्ड ऑफ, ये बनी होती है, ये मतलब कंपोज्ड मतलब जिसको आप कह देना कि एक चीज़ जिसको आप जो है ना हाईली कंप्रेस्ड कर दें, ठोस कर दें। कॉन्टीनेंटल एंड ओशियन लिथो जो स्फेयर है उसके जो है ना कंपोज्ड होती है, उससे जनरली कंपोज्ड ऑफ, इन दो बहुत चीज़ों से। अब इन्होंने ये कहा है कि जो प्लेट का साइज़ होता है ना वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कितना बड़ा हो सकता है, कुछ किलोमीटर से लेके थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक हो सकता है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल ले लें पैसिफिक और एंटार्कटिका के अंदर जो है ना वो लार्जेस्ट प्लेट का एक नेटवर्क होता है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, तो ये चीज़ जो होती है ना एक टेक्टोनिक प्लेट्स को बहुत बड़ा बना देती है। अब हम इसकी जो है ना एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर जो है ना आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, अब ये वाली जो पिक्चर है ना ये आपको क्लियर व्यू दे रही है। पहले मैं आपको ये बता दूँ टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है वो स्ट्रक्चर ऑफ क्रस्ट ऑफ अर्थ होती है, वो मून की भी हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है अर्थ को कवर करेंगे तो मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ। अब ये जो चीज़ है ना ये वाली चीज़ ये है हमारी आउटर जो जगह है ना हमारी अर्थ की वो है। अब ये सॉलिड ये देखें ना ये जितनी भी आपको ग्रे कलर सॉरी डार्क ग्रे या ब्लैक समझ लें, ये जितनी भी आपको नज़र आ रही है सॉलिड फॉर्म के अंदर है। और ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं आपको ज़िगज़ैग रेड या इसको आप ऑरेंज कलर समझ लें, वो आपको टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में जो है ना बता रही कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कंपोज्ड होती हैं, जिसका हमने पहले जिक्र किया है कि ये जो है ना इनरेगुलर शेप के अंदर हंड्रेड से थाउजेंड किलोमीटर्स की होती हैं। देखा आप ये पूरी दुनिया को जो है ना कैसे कनेक्ट कर रही हैं इस लेंस के थ्रू। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के सूरत में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट तक की वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।